हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद कनक। आज मैं चार प्रकार के मसाला पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेड चिली पाउडर, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर। इन्हें यूज़ करके आप अपने किचन का काम आसान कर सकते हैं। ये मसाला पाउडर मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, घर में आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। घर में बनाया हुआ मसाला पाउडर मार्केट के मसालों से ज़्यादा शुद्ध और बिना मिलावट वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्च का पाउडर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो हरी मिर्च लिया है यानी कि 500 ग्राम, और इसे मैंने अच्छे से धुल करके पानी इसका सुखा लिया है और इसकी डंडियाँ भी मैंने तोड़ लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। जितना बारीक हम इसे काटेंगे उतनी ही जल्दी ये सूख जाएगा। आप चाहें तो इसे हैंडी चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे बना रहे हैं तो आप इसे मिक्सर जार में भी मोटा दरदरा सा पीस सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने काट लिया है। इसे मैं 2 थाली में इस तरह से डाल के फैला करके धूप में सुखा लूँगी। आप इसे किसी कपड़े पर भी फैला सकते हैं। इसका जितना पतला लेयर हम फैलाएंगे उतना ही जल्दी ये सूखेगा। आप चाहे तो धूप में सुखाएं या पंखे के नीचे भी आप इसे सुखा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम अदरक और इसका स्किन मैंने अच्छे से निकाल लिया है और इसे पानी से अच्छे से धुल लिया है ताकि इसमें जो मिट्टी रहती है वो निकल जाएगी अच्छे से, और इसका पानी अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने में बहुत टाइम लगता है। इसे हम छोटा छोटा काट करके 1 दिन के लिए धूप में सुखा लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में या थाली में या फिर आप कपड़े पे भी इसे फैला सकते हैं इस तरह से, और इसे धूप में सुखा लें। अगर धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी आप सुखा सकते हैं। 1 दिन में ये काफ़ी सूख जाएगा। तो ये देखिए, 1 दिन बाद ये ऐसे सूख गए, लेकिन ये पूरा अच्छी तरह से नहीं सूखे हैं। तो इसे हम अभी पीस लेंगे। तो इसे जार में डाल करके एक बार हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम इसे फिर से धूप में सुखाएंगे। तो ये जार में मैंने डाल दिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। तो बिल्कुल बारीक नहीं पीसे। तो ये पीस लिया है मैंने। अब हम इसे 1 दिन के लिए और सुखा लेंगे। अब हम इसे रख देंगे धूप में। तो ये 1 दिन में और बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगा। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लहसुन लिया है और इसकी कलियाँ हम इस तरह से निकाल लेंगे और डंडी इसकी अलग कर देंगे। डंडी और जड़ जो भी है इसे हम अलग कर देते हैं इस तरह से। ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना हो तो सबसे मुश्किल काम होता है। एक एक लहसुन को हम नहीं छीलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इन छिलकों को निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इन कलियों को निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसको इस तरह से हाथों से मैश कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी बड़े बड़े छिलके हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से करके हम इसके छिलके निकाल देंगे, जो भी बड़े बड़े हैं ऊपर से इस तरह से निकाल दें। तो कुछ छिलके जो हैं वो इस तरह से निकल जाते हैं और बाकी के जो छिलके हैं वो थोड़े थोड़े बाद में निकल जाएंगे। ये प्रोसेस करने के बाद हम लहसुन को अच्छे से धुल लेंगे। तो इसे हम पानी में डाल करके अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि जो भी इसमें मिट्टी और केमिकल होते हैं वो निकल जाएंगे। तो इसे हम एक बर्तन में डाल करके धुल लेंगे। कुछ छिलके तो पानी में भी निकल जाते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो आप चाहें तो 2 बार 3 बार भी धुल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे धुल लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 बार धुल लिया है, और पानी से धुलने के बाद हम इसे एक छन्नीदार बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह से छान लेंगे इसे हम। अब हम इसे एक कपड़े पर फैला देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इस पर हम इसे फैला देंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से छन जाए, सूख जाए। 2 घंटे बाद लहसुन का पानी हल्का सा निकल गया है, ये थोड़े से सूख गए हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल करके इसे हल्का सा पीस लेंगे, बिल्कुल दरदरा सा पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। अब हम इसे कपड़े पे फैला करके धूप में सूखने के लिए रख देंगे।
इसमें बहुत सी कलियां लहसुन की बड़ी बड़ी रह गई हैं, तो इसे हम एक दिन सुखाने के बाद बड़ी कलियों को फिर से पीस लेंगे और फिर से फैला करके इसे सुखा लेंगे। प्याज का पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो प्याज लिया है और इसका छिलका निकाल करके इसे अच्छे से धुल करके 2 भागों में काट करके इसे मैंने 5 मिनट के लिए पानी में डाल दिया है। प्याज को पानी में डालने से काटते समय आँखों में ये नहीं लगता है। इस तरह से इसके जड़ें काट करके निकाल देंगे और फिर हम इसे पतला पतला भुजिया के आकार में काट देंगे। इस तरह से काट लें, कोशिश करें कि इसे पतला पतला ही काटें, पतला काटने से ये जल्दी सूखेंगे। तो यहाँ पर सारे प्याज को मैंने काट लिया है, अब इसे हम इस तरह से हाथों से मैश कर देंगे। मैश करने से प्याज के लच्छे बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और फिर इसे फैला करके आसानी से इसे सुखा सकते हैं। तो इसे मैंने मैश कर लिया है, अब हम इसे धूप में फैला देंगे सूखने के लिए। 2 दिन के धूप में मिर्ची बहुत अच्छे से सूख गई है और कुछ मिर्ची लाल भी हो गई है क्योंकि मैंने 1 दिन इसे एक्स्ट्रा रख दिया था सूखने के बाद भी। तो 3 दिन मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था। तो अब हम इसे मिक्सी की जार में डाल करके इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं या फिर थोड़ा मोटा भी पीस सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसूंगी, तो इसे पीस लेते हैं। जब मिर्ची बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तभी आप इसे पीसें। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। अब हम इसे स्टोर करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। आप इसका यूज़ किसी भी सब्जी में मसालों के साथ या फिर पिज्जा में, बर्गर में, किसी भी स्नैक्स में कर सकते हैं। अभी अदरक भी सूख गए हैं अच्छे से, इसे भी सूखने में 2 दिन लगा है। 2 दिन में ये काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं क्योंकि इसे मैंने पीस लिया था। अब इसे हमें फिर से पीसना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तो हम इसे मिक्सी की जार में डाल करके बारीक पीस लेंगे। तो इसे पीस लेते हैं ढक्कन लगा करके। अदरक पाउडर को ही सॉल्ट पाउडर कहा जाता है और इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है बारीक इस तरह से, लेकिन इसमें बहुत रेसे हैं तो इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम छान लेते हैं एक छन्नी से। तो इस तरह से हम छान लेंगे और इसके सारे रेसे जो है वो निकाल देंगे। तो छानने के बाद बिल्कुल बारीक सॉल्ट पाउडर निकल जाता है। अब देखिए, ये देखिए, इसमें इतने सारे रेसे निकले हैं। अब इन रेसों को फेंकना नहीं है, फ्लेवर तो इसमें भी है अदरक का, तो इसे हम रख देंगे और चाय में हम इसका यूज़ कर देंगे। तो चाय बनाते समय थोड़ा सा आप इसे डाल दें तो बिल्कुल वो अदरक का ही टेस्ट आएगा। और यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक सॉल्ट जिंजर पाउडर ये बनकर रेडी है। अब इसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसे आप बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रख देते हैं। प्याज भी अच्छे से सूख गया है और इसे सुखाने में 4 से 5 दिन का समय लगा है। दिन में धूप में सुखाने के बाद रात को इसे मैं पंखे के नीचे रख देती थी ताकि ये नरम ना हो। अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी के जार में। पीसते समय हम इसे बीच बीच में चम्मच से चला देंगे और इसे रुक रुक करके पीसेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। इससे प्याज अच्छे से पीस जाएगा। प्याज में थोड़ी नमी रहती है इसलिए इसे डालना ज़रूरी है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं इसे हम। तो ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है इस तरह से। अब इसे भी हम एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। ये मसाले अगर मार्केट से लेते हैं आप तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो जब भी प्याज सस्ते हों तो इस तरह से आप ये पाउडर बना करके रख लें और एयरटाइट कंटेनर में रखें इसे ताकि ये ख़राब ना हो। अब ये लहसुन देखिए, ये भी सूख करके तैयार हो गया है। इसे भी सूखने में 4 दिन का समय लगा है। अब ये देखिए, छिलके इसके अपने आप अलग हो गए हैं। अब इसे हम इस तरह से कपड़े से मैश कर देंगे ताकि जो छिलके होंगे वो निकल जाएंगे। तो इसे इस तरह से मैश कर दें और छिलके अलग कर दें। इसे हम थाली में रख देते हैं और छिलकों को हम निकाल लेंगे। तो बाकी के छिलके हम इस थाली की सहायता से निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से कर दें और बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। अब छिलकों को निकालने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो मिक्सी की जार में डाल करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप चाहे तो इसमें भी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया है कॉर्नफ्लोर।
और फिर हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए इसे भी मैंने पीस लिया है। ये लहसुन का भी पाउडर बनकर के रेडी है। अब हम इसे भी एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। बिल्कुल वही फ्लेवर रहता है, वही टेस्ट रहता है इसका भी, और आप इसे महीनों तक यूज़ कर सकते हैं, बस इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखें। तो ये चार मसालों की रेसिपी बन करके रेडी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।